इस वीडियो में अगर आप लोग आते हो इंडिया से ये काम सीखकर, यहाँ पे आदमी लोग लकड़ी जोड़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो टिन वगैरह का काम करके, यहाँ पे यार वो लोग 500 केडी महीना कमाते हैं। अगर आप लोग को ये काम नहीं आ रहा है, अगर आप लोग आते हो हेल्पर के काम पर, इस काम में हेल्पर करोगे तो आप लोग की सैलरी 250 दिनार से लेकर 280 दिनार तक होती यार पर मंथ। आपको इसके बारे में कोई नहीं बताया होगा, हो सकता है ये मेरी फर्स्ट वीडियो हो। बस आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा फुल देखना है। और ये देख सकते हो यार, इसके बीच में लकड़ी लगी होती है, ये टिन है और यहाँ पे स्टोर बनता है मगजन वगैरह। यहाँ पे कोयती लोग जैसे अगर सामान रखना चाहते हैं पर मंथ हो, जैसे वो लोग रेंटों के लिए, तो यहाँ पे स्टोर बनता है। कोयत में एक सिस्टम होता है, हो सकता है आप लोग को ना पता हो, तो मैं दोबारा कभी एक वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। तो वहाँ पर भी बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। क्या काम रहता है वहाँ पे, बंदे लोग बैठते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, और वो लोग भी महीना में 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार उन कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये काम करते हो यार, और इंडिया में कुछ बड़ा काम करते हो, जैसे आप लोग को प्लम्बरिंग का काम आता है, तो आप लोग ये काम इजीली सीख सकते हो। आप लोग को प्लम्बर तो आप लोग ऑलरेडी हुनर के, आप लोग के पास हुनर तो है ही है, लेकिन इसमें क्या रहता है, बुर्की वगैरह मारते हैं और कुछ काम नहीं रहता भाई। तो आप लोग देख सकते हो यार, और यहाँ पे काम बहुत इजी है यार। आप लोग को अगर दिमाग में ऐसा है कि भाई हम नहीं कर सकते हैं कोयत में, बहुत ही कठिन है, तो भाई अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि भाई इजी सब कुछ होता है। अगर आप लोग अपने दिमाग से काम करोगे तो सब कुछ आपके लिए आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो हमारे भाई लोग आते हैं, कुछ लोग इस काम में वो लोग यार घबरा कर काम छोड़कर भाग जाते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ भाई, जब आप लोग काम छोड़कर भागते हो, क्या आपको इंडिया में कोई इतना पैसा देगा? ज़िंदगी में नहीं देगा। मुझसे आप लोग बात सुन लीजिए, मैं भी भाई इंडिया में पहले काम करता था, कितना देते थे, 2000-4000 देते थे, उसी में क्या हमारा खर्चा चलता था? भाई हमारा खर्चा नहीं चलता था, कैसे फैमिली खर्चा चलेगा? तो देख सकते हो ये सामने रूम है, और यहाँ पे इस तरह का मगजन बनता है, और कहीं कहीं पे दूसरी डिज़ाइन का बनता है, थोड़ा उसमें पेंट प्लास्टर कर देते हैं। तो अगर आप लोग यार थोड़ा मोड़ा काम आपको पता है इसके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग को प्लम्बरिंग का काम आता है, तो आपको कम से कम 4 या 5 दिन या 10 दिन थोड़ा काम को सीखना होगा, को जैसे ड्रिल कैसे लगाते हैं, और बुर्गी, यहाँ पे एक बुर्गी बोलते हैं, हो सकता है आप लोग को बुर्गी वगैरह पता हो, तो कैसे मारते हैं, लकड़ी कैसे बीच में लगाते हैं, फिर उसको कैसे आने के चिपकाते हैं, फिर उसमें कैसे हम लोग खेल वगैरह मारेंगे, तो पूरा आपको सीखना पड़ेगा। आपको तो ये काम नहीं आएगा, जब भले भी आप कितने भी बड़े आप लोग प्लम्बरिंग का काम सीखे हो इंडिया में, आपको यहाँ पे पहले सीखना होगा भाई। ऐसा नहीं कि कोई भी हवाई में आप लोग यहाँ पे आओ, फिर महीने में आप लोग 1 लाख रुपए कमाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। आप लोग को फर्स्ट मंथ पहले ही आपको हेल्पर के तौर पर काम करना होगा, आपको सीखना होगा। अगर आप लोग का इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपका माइंड बहुत ही तेज़ काम करेगा, तो आप लोग यहाँ पे यार अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग का माइंड थोड़ा हल्का काम करेगा, यानी कि काम में एक्सपर्ट नहीं रहोगे ना, आपको भाई यहाँ पे पैसा कम दिया जाएगा। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे लकड़ी का काम कर यहाँ पे लकड़ी लगाते हैं बीच में, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि यहाँ पे अगर आप लोग आते हो प्लम्बरिंग का काम करके, जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं कि भाई मैं प्लम्बर हूँ और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ यार? आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी? कुवैत में अगर आप लोग आ जाते हो ना, चाहे कंपनी में काम करो, चाहे मजरा में काम करो, कहीं भी काम करो, चाहे घर में काम करो, अगर आपको प्लम्बरिंग आती है ना भाई, आपको कोयती घर में जैसे सैलरी आपको मिलती है 110 दिनार, अगर आप लोग कोयती घर में कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे ना, कोयती आपका इम्प्रेस होकर आपको कुछ ना कुछ पैसा ज्यादा देगा। ऐसा नहीं कि 50 दिनार 60 दिनार देगा, आपको 20-30 दिनार ज्यादा दे सकता है। आपको स्टार्टिंग में 20 से 30 दिनार ज्यादा मिलेगा ना, आपकी सैलरी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, तो 110 दिनार से लेकर 30 दिनार ज्यादा। तो आप लोग भाई इंडिया से कराते हो कोयत में नए होकर, अगर आप लोग के पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो प्लम्बरिंग का, अगर आप लोगों का काम थोड़ा मोड़ा हेल्पर का काम यानी कि छोड़कर कुछ भी एक्सपीरियंस आता है, तो आप कुछ भी ढंग है काम करने के लिए, चाहे वेटर का काम हो, चाहे कुछ भी काम हो। तो आज के 2 साल पहले की बात है, जो कि मेरे घर के बगल में एक बंदा आया है कोयती के हाउस में काम करने के लिए, और अभी यहाँ कोयती हाउस में काम ही कर रहा है, तो कोयती उसको जान नहीं पाया, क्योंकि उस भाई को वेल्डिंग काम अच्छे से आ रहा था, क्योंकि वेल्डिंग का जो काम कर रहा था इंडिया में कम से कम 5 साल वो किया था। जब यहाँ घर में काम करने के लिए आया, तो पहले वो गाड़ी साफ किया। सब बंदे चाहते हैं भाई प्लीज कैसे भी हमारी जॉब लग जाए और हम भी काम करने लग जाए, जैसे कि हमारे इंडिया में सब बोलते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, तब जाके आपको ये यानी सफलता मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या सरकारी नौकरी सबको मिलती है? नहीं मिलती भाई सबको सरकारी नौकरी, तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप लोग जोड़ सकते हो 100% मन से 10% या 8-10%, ज्यादा ज्यादा आपको चांस होता है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तब भी आपको क्या जरूरी मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ रेशियो चलता है। अगर आप लोग 1 लाख के स्टूडेंट हो फॉर्म भरते हैं, उसमें कितने लोग होता है, हार्डली ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग का होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा जो कि स्टूडेंट बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं उन लोगों का होता है, ऐसा नहीं कि सबका हो जाएगा।
तो भाई सब लोग सोचते हैं कि हमको पैसा मिले पैसा मिले। तो हमारे भाई लोग कुछ यहाँ पे आते हैं आईडीआई कर कर, या कुछ उसको हुनर होता है वेल्डर का काम सीख कर आते हैं, और वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे होते हैं, महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये कमा हो रहे होते हैं। तो गाय लोग सोचते हैं चलिए कुवैत में चलते हैं, दो दो 3 साल रहेंगे, हम लोग की लाइफ थोड़ा अच्छी हो जाएगी, अपना घर बना लेंगे और हम लोग थोड़ा अपनी लाइफ चेंज कर लेंगे। तो ऐसे भाई लोग आते हैं कुवैत में, अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं। तो जब भाई वो आया था कुवैत में काम करने के लिए, गाड़ी वगैरह साफ कर रहा था, और कुवैती की हाउस में एक बॉय के तौर पर काम करने के लिए आया था, ना कि गाड़ी चलाने के लिए आया था। तो गाड़ी वगैरह साफ करता था, क्योंकि एक घर में काम करने के लिए एक नॉर्मल सा काम है, और घर वगैरह साफ करता था। बाद में वो ये कहीं काम पड़ा, कुवैती का यहाँ पे मजरा होता है, तो कुवैती उसको लेकर गया जैसे कि टहलाने के लिए, चलिए चलते हैं आज मजरा घूमते हैं। तो यहाँ पे मजरा बोलते हैं एक अब्दली में बोलते हैं, अब्दली में आकर आप लोग कुवैत में आओगे ना, ये बॉर्डर के पास पड़ता है, एक बसरा और इराक के बगल में अब्दली पड़ता है, तो वहीं पीछे आगे पीछे उसका मजरा था कुवैती का। तो वहां पे गया तो कुवैती ने बोला कि यहाँ पे मुझे वेल्डर चाहिए, जैसे कि नॉर्मली तौर पर 1-2 घंटा या 1 दिन के लिए काम के लिए। तो मैंने उसको पहले इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उसको बात किया, तो बोला कि क्या काम करना है बाबा, उसको अरबी में बोला, अरबी बहरहाल को थोड़ा थोड़ा आ चुकी थी। जितने भाई हमारे लोग घर में काम करने के लिए आना चाहते हैं उनको भाई जल्दी अरबी आएगी, क्योंकि वो लोग अरबी के साथ रहते हैं। जिस तरीके से आपका माहौल रहेगा ना, उस हिसाब से आप लोग अरबी सीख लोगे। ऐसा नहीं कि आप लोग कंपनी में आ रहे हो तो आप लोग को अरबी नहीं आएगी, कंपनी में हमारा इसलिए फायदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे भाई लोग 90% लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे इंडिया के होते हैं। इंडिया के या कहीं भी, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे नेपाल के हों, किसी भी कंट्री के रहने वाले हों, अगर वो अजनबी हैं तो उनको अंग्रेजी छोड़कर हिंदी भी आती है। जैसे हमारे भाई लोग आते हैं यहाँ पे, अंग्रेजी तो आती है, छोड़िए उसको, छोड़ दीजिए, हमारी हिंदी भाषा उनको आती रहती है। तो हमारा बंदा कोई भी आएगा तो उनको हिंदी में बात कर सकता है, और यहाँ पे जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनको अरबी, जैसे कि अरबी तो बोलते ही हैं, तो जो नया बंदा आएगा भाई वो अरबी सीखेगा नहीं, वो ट्राई भी नहीं करेगा, तो सोचेगा कि भाई हमारा काम तो हिंदी बोलकर चल रहा है। तो गाइस लोग वो लोग ट्राई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका काम हिंदी से हिंदी में बोलकर चल जाता है, क्योंकि जब कोई बंदा यहाँ पे पुराना है और वो अरबी जानता है, अभी जो छोटा बंदा है वो सोचता है कि मैं इसको बात करूँ, फिर वो उसको बात करेगा अरबी को। तो इसी तरह यहाँ पे काम चलता रहता है। जब भी मैं आया था, आज के 6 साल पहले की बात है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह रहते थे जो कि बड़े ही वो लोग अच्छे थे, और मैंने उनको बहुत ही शुक्रिया बोला क्योंकि आपकी वजह से मैं यहाँ पे रुक पाया, और उनकी वजह से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला, क्योंकि उनको अरबी आती थी। तो क्या भी प्रॉब्लम रहती थी, वो लोग सीधा जाके मैनेजर को, सुपरवाइजर को, जहाँ पे मसले लोग होते थे, तो उनको बात करते थे, इनको यह सामान चाहिए वो सामान चाहिए, और बाद में मुझे सामान मिल जाता था। तो उनको भाई को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और गाइस यहाँ पे हमारे जो भाई लोग आते हैं काम करने के लिए, उनको तो प्रॉब्लम तो होती ही है अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो भाई यहाँ पे आया था वेल्डर का काम करके इंडिया से, और कोई को पता नहीं था कि ये भाई बहुत ही बड़ा वेल्डर है और अच्छा खासा काम जानता है वेल्डर का। तो बोला कि बाबा क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, ये सामान वेल्डिंग करने को था, कुछ सामान था मजरा वगैरह में तो वेल्डिंग करने को था और कुछ नहीं था। तो बोला कि ठीक है आप एक बार ट्राई कीजिए। तो कुछ पार्टीशन वगैरह बनाना था, जैसे मजरा में भेड़ बकरियां पालते हैं, तो वो पार्टीशन वगैरह थोड़ा लोहा वगैरह का वेल्डिंग कर ज्वाइन करना था। तो बाबा वो चला गया कहीं पे, जैसे मजरा में घूमते हैं ना, तो किसी फ्रेंड के यहाँ चला गया, किसी सदीक के यहाँ, उसके सदीक वगैरह होते हैं, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, तो वहां चला गया आराम से। बाद में ये भाई, इसको पूरा सामान था, और जब वो आया 2 घंटा बाद, तो इसने पूरा रेडी करके रख दिया था, और बाद में देखा कि ये किसने किया, उसको बुलाया। तो भाई बोला कि आपने किसी दोस्त को लाया, जैसे कि वो भाई वेल्डर था। तो कोती बोलता है वेल्डर को, जो कि उसके घर में काम करता था, कि आपने किसको पकड़ के लाया, ये काम पूरा कराया। तो पहले वो बोला कि नहीं मैं किसी को नहीं लाया, मजरा में मैं अकेला किया हूँ। कोती को यकीन नहीं हो रहा था। बाद में वो बोला कि नहीं मैं वेल्डर हूँ और मुझे यहाँ पे यानी कि कोई वीजा नहीं मिला, इस वजह से मैं आपके घर में काम करने के लिए आया हूँ। और बाद में इतना अच्छा कोती था ना, बोला कि कोई बात नहीं आप मेरे मजरा के भी काम करो, जब भी हम लोग मजरा आएंगे हफ्ता में एक बार या 10 दिन में एक बार, तो कुछ काम घटा रहेगा तो आप इसको काम कीजिए अलग, मैं आपको सैलरी इसका अलग दूंगा, जो महीना में 40 से 50 दिनार मैं अलग दूंगा, और आपकी सैलरी 120 दिनार। तो भाई वो इंडिया में कितना कमाता था, 10 से 15 हज़ार, जो कि पड़ जाएगा लगभग 10 से 15 हज़ार 60 KD बन जाएगा। और यहाँ पे कितना कमा रहा है, लगभग 140 से 40 यानी कि 120 KD है सैलरी, और मजरा में 50 दिनार, और ऊपर से रोबा नुस मिलता ही रहता है। तो जान सकते हो कि 170 दिनार, जो कि इंडिया का पड़ जाता है 45 हज़ार या 46 हज़ार बन जाता है। तो भाई आपको इंडिया में इतना पैसा कौन देता है, इस वजह से हमारे भाई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं। सोचते हैं कि भाई हम लोग जब बाहर जाएंगे, किसी बाहर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में या गल्फ कंट्री में जाएंगे, तो हमको थोड़ा पैसा मिल जाएगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे आके अटक जाती है, बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि बीजा कैसे मिले। तो बीजा मिलने का काम भाई बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जब तक आपके रिलेशन में कोई बीजा नहीं निकालेगा आपको कोई भी यानी कि हेल्प नहीं मिलने वाली है। आप लोग कितने लोग की वीडियो देख लो, चाहे मेरी वीडियो देख लो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आपको बस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हेल्प मिल सकती है, आपको कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन हम लोग आपको बीजा नहीं दे सकते, मैं आपको बीजा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई गाइस बीजा का काम नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू एक सही डायरेक्शन से सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई आने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप लोग कोई भी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वहां पे जाकर आपकी लाइफ खराब हो सकती है। आप लोग कैसे कैसे करके पैसा यार बटोरते हो कोई इंडिया से कोयत आने के लिए, लेकिन यार हमारे भाई लोग यार फंस जाते हैं। मैंने देखा है यार ऐसे ऐसे लोग फंस जाते हैं, भाई लोग के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है, लेकिन यार रोना आ जाता है। मैं क्या बताऊं यार, वो लोग का पूरा यानी पैसा डूब जाता है। दलाल जो होता है चोर, वो पैसा लेकर बेचारा गरीब का पैसा लेकर भाग जाता है, उसको तो यार अपनी पड़ी होती है, आपकी थोड़ा पड़ी होती है। तो मैंने मोस्टली आप केस देखा है, मैंने बहुत ही ज्यादा ऐसा केस देखा है कि यार कुछ बंदे फंस जाते हैं और कुछ बंदे तो आ ही जाते हैं, तो बात अलग है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं। तो मुझे एक सजेशन कहना है, एक सजेशन यानी कि एक सजेस्ट करना आप लोग को एक बात, कि यार अगर आप लोग का कोई रिलेशन में रह रहा है, अगर आप लोग उस तरीके से आओ तो आपको बेहतर मिलेगा कुवैत, यानी कि कुवैत में काम करने के लिए आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप अपने रिलेशन में बोल सकते हो, अपने यानी कि जो फैमिली वगैरह का रिश्तेदार रहता है कि भाई हमको आपने ये बोला था कि घर में ये काम करने के लिए, आपने हमें क्यों दूसरा काम लगवाया, तो आप लोग को उनको तो बोल सकते हो, तो फिर हो सकता है आपको यहाँ पे चेंज हो जाए काम, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आपका कोई यहाँ पे वीजा निकालेगा तो सोच बूझ के बात करेगा, सोच समझ के आपको काम पे रखेगा। अगर आप लोग कहीं पे दलाल वगैरह के एजेंट वगैरह के चक्कर में यहाँ पे आ जाते हो तो आपको तो इंडिया में वीजा मिल जाता है एजेंटों से, लेकिन आपका एजेंट कुछ बोलेगा यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो गए इतना फर्क होता है। तो यहाँ पे भाई हमारे आ जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, तो यहाँ पे यानी कि उनको छुट्टी दी, जल्दी नहीं भेजते, क्योंकि आपको भाई जल्दी कौन भेजेगा, क्योंकि उन लोगों को ऐसे कैसे आदमी मिला है और कम से कम 1-1.5 साल तो आपको काम में लटकाएंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के बीच में दिखाया था, शुरुआत में दिखाया था कि भाई यहाँ पे लोग आते हैं काम करने के लिए और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, 70 से 80 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं।